हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नाइन। मॉर्निंग हो गई है और सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, रेडी हो चुका हूँ। आज है फ्राइडे और निकलूँगा ऑफिस फिलहाल, तो ब्रेकफास्ट करके उसके बाद शेड्यूल बनाऊँगा आज का, क्योंकि कल वाले एक दो काम पेंडिंग थे वो सब आज करूँगा और टाइम से निकलूँगा। जैसे भी होगा शेड्यूल बनाऊँगा। उसके अलावा लाइक कमेंट शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। अपडेट्स आते रहेंगे और बहुत जल्दी एक रिव्यू लेके आने वाला हूँ, जल्दी से टाइम निकाल के वो रिव्यू शूट करना है। और चलता हूँ फिलहाल ऑफिस, ब्रेकफास्ट करके शेड्यूल बनाते हैं, फिर आपसे रास्ते में बात करता हूँ, बहुत बातें होगी। भाई अभी निकला था किसी काम से और अभी गायें उड़ा रहे थे, सिर को लोग स्टार्ट किए थे तभी गाय को चक्कर मारी, वो इधर पास के आ गए। और कल के कुछ काम पेंडिंग रह गए थे तो वो सब आज शेड्यूल में है। अभी तो छोटे से जगह पे जा रहा हूँ, छोटे से मार रहा हूँ, ये लंबा रूट नहीं है वाला, तो यहाँ से होके आता हूँ। इसके बाद एक जगह और जाना ऑफिस का काम भी इससे पहले, तो और थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया, अभी कल वाला काम भी हो गया और आज वाला तो है ही है, इसलिए थोड़ा सा बिजी वाला शेड्यूल है आज। रेड लाइट पर वेट करते हैं ग्रीन होकर, फिर चलते हैं आगे। चलो भाइयों ग्रीन हो गई है, चलते हैं। लोग ऑलरेडी आगे खड़े होते हैं और ग्रीन होने पर वो चल ही नहीं पाते हैं, पता नहीं कैसे उतर आते हैं। आगे भी खड़ा होना है और चलना भी नहीं है, सब कुछ कैसे पॉसिबल है। तो भाइयों अभी दिन हो रहा है, यहाँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कोशिश तो है कि जल्दी से फ्री होके आ जाऊँ मैं। और बाइक को थोड़ी फ्रेंड देने का प्लान कल का करा है मैंने, सैटरडे को सोच रहा हूँ बाइक को सर्विस पे दे दूँ इवनिंग में, या फिर कल दिन का भी दे सकता हूँ मॉर्निंग में भी, पता नहीं है। एम्बुलेंस वाला सारे तो बजा लेकिन पता नहीं है क्या बात है, पहले बता रहा था अरे फ़ोन से बात कर रहा है कहाँ आना है, फ़ोन से बात करें कन्फ्यूज हो गया बेचारा, कौन से हॉस्पिटल आना था तो भूल ही गया। चलो जी ग्रीन हो गई, चलते हैं। अब यहाँ का रोड बनेगा, उधर का तो बन गया, अब यहाँ चलाना टास्क है। अरे यार मिट्टी उड़ा दी गाड़ी में, बहुत डस्ट उड़ा दी गाड़ी में, बाइक जैसा कैसे यूज़ किया, ऐसा लग रहा पंचर हो गया बाइक में। भाइयों यहाँ से चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कैसे चला रहा मुझे पता है। ये देखो लड़की चला रही है, ये लड़की जा रही है, ये लड़का है, लग रही है ना पीछे लड़की, ये छोटी लड़का है, पीछे तक पूरे लड़की लोग आ रही है, बहुत बढ़िया। ऐसे बंदों को ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने में टेंशन नहीं है, जैसे ही गर्लफ्रेंड है चलो भाई वीडियो कॉल होकर आए तो लड़का उल्टा होके खड़ा हो जाता है, तो हाँ लड़की है छोटी बना रखी है। चलो ये सबका अपना फैशन अपने स्टाइल है, बाइक इतनी ज़्यादा हिल रही है ना मैं बता नहीं सकता, है लग रहा है कि अभी गिर जाएगी, बड़ी मुश्किल चल रही है बाइक, हल्की स्पीड में गिर जाऊँगा। रोड की मतलब पूरा छिल रखा रोड, जैसे पंचर नहीं होता पूरा टायर पंचर होकर पूरा हिल खत्म हो जाती है हवा बिल्कुल ही, कोई चीज है टू बिल्कुल नहीं आता पहले, एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही है। ऐसा क्या भाई एम्बुलेंस चलाने का, तेरे खाली पड़ा है रोड, ये भी नहीं कर पड़ा अड़ा हुआ उसके आगे खड़ा होता, चलो मैं हेल्प करके निकल पाया था, खाली है पता नहीं कहाँ से नहीं था, सायरन बज रहा था उसका। ओह खच्चे बड़े बड़े खच्चे हो गए यहाँ पर,
भाई पहुँचता हूँ मैं, पहले इस काम से आ रहा हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। भाई जिस काम से आया था वहाँ से फ्री हो गया हूँ और अब चल रहा हूँ वापस ऑफिस। ऑफिस पहुँच के मुझे आगे कहीं और भी निकलना है, वहाँ का शेड्यूल बनाऊँगा और ऑफिस में देखता हूँ एक दो काम है वो पहले करने हैं, उसके बाद निकलूँगा जहाँ भी जाना है। और इवनिंग होने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उससे पहले पहले थोड़ा सा स्पीड में मुझे आज के काम करने पड़े तो कल के लिए पेंडिंग हो जाती है ना फिर चीज़ें, तो स्ट्रक्ट हो जाता हूँ फिर। और कल हो सकता है मैं कहीं निकल जाऊँ ट्रिप पे, इस वजह से सोच रहा हूँ आज के काम आज कंप्लीट करके कल पर निकलेंगे तो निकलने की तैयारी करता हूँ। चलो भाई मैं पहुँचता हूँ ऑफिस, फिर आपसे बात करता हूँ कहीं निकलते हैं। भाई अभी निकला था किसी काम से, थोड़ा सा लेट हो गया ऑफिस में, जल्दी हो गया था काम में तो निकलने पर थोड़ा लेट हो गया थी मैं। और मौसम ठीक हो रहा, हवा चल रही है, गर्मी तो नहीं है बट फिर भी ठीक है। और आगे है छोटी टॉयलेट है, ग्रीन हो जाएगी अपना पहुँचना, तो पहले हो गई बोल रही ट्रैफिक क्यों हो जाता है यहाँ पर, सिर्फ एलर्ट की वजह से हो गया ट्रैफिक। अब यहाँ पे देखता हूँ कितना टाइम मिलेगा, टाइम तो क्या आगे पहले ट्रैफिक कितना मिलेगा वो देखना है, ट्रैफिक भी तो पूरा मिलेगा यहाँ पर, देख रहा हूँ ट्रैफिक ऊपर कितना हो रहा है पुल के ऊपर, तो आगे ट्रैफिक मिलना ही मिल रहा है, यहीं पर ट्रैफिक कितना दिख रहा है मेरे को पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है पहुँचने में। रूट थोड़ा ऐसा है, बिजी रूट है ये वाला, बिजी रहता है ये। ऐसा लग रहा है फोन टेढ़ा हो रहा है मेरा, थोड़ा सीधा तो पता है। चले आना साइड से।
साफ है तो ठीक है, थोड़ा सा ट्रैफिक थोड़ा बचे हमारे साथ ही साफ करा बस वाला क्या चाहता है वैसे डिसाइड करके आया था लेफ्ट में चलाना है मोड़ जैसे एकदम से लेफ्ट में ये बस वाले की बड़ी दिक्कत है भाई साहब थोड़ा स्पीड में दिखना है तो आगे निकल पा रहा हूँ तो काम रहता है अब रूट थोड़ा ठीक मिलेगा लेकिन आपको तो पता है डिवेलमेंट ऐसी आएगी जो कि तगड़े वाले ट्रैफिक होते जहाँ पर वहाँ पर तो बस चला लो वही बहुत है जाम ही इतना होता वहाँ पर तो आगे भी चले चली गई है बढ़िया हो जाएगा हल्का सा मुँह हिला नहीं होते भाई तो नीचे आया नहीं बस भाई तो नीचे आने सोच रहा होता कब आऊँगा बस वाले राइट में चला जब भी इल्ली वाले राइट में चलाना चला लो भाई तुम्हारी मन मर्जी है ओ भाई साहब जाम है पूरा तगड़ा चलो भाई मैं पहुँचता हूँ ये लंबी वाली रेल लेट है यहाँ पर पैकिंग बिठानी पड़ेगी पहुँचता हूँ फिर बात करता हूँ भाई जिस काम से आया था वहाँ से फ्री हो गया हूँ और अभी भी मतलब रेल लेट है बहुत आगे आके मैंने ऑन कराया ब्लॉग और देखो कितना जाम है ये जाम है जाते हुए इस जाम में फंसा हुआ था मैंने जब मैंने ब्लॉग बंद किया लास्ट टाइम तो ब्लॉग बंद करने के बाद इस जाम में फंसा और कितना लंबा जाम है आप देख सकते हो इतने दूर तक तो अभी भी आ गया मैं अभी देखो जाम ऐसा ये जाम है कितना कहड़ा और अभी भी चल रहा है और लोग फंसे हुए पता नहीं कब तक निकलेंगे ये जाम यहाँ तक है ये होगा कम से कम 2-2.5 किलोमीटर की रेंज में ट्रैफिक इतना ट्रैफिक है और यहाँ से तो अगली बार हम सोच लेंगे यहाँ से जो है ना रूट चेंज ही कर दूँगा इस रूट से नहीं होगा लेकिन आगे होती है रेल दिन होने वाली है तो कल बारह से ठीक की बात है भैया के दिन ट्रैफिक है क्योंकि टाइम ही ऐसा होता है ट्रैफिक वाले टाइम होता ही है इवनिंग का टाइम और जाना आना दोनों मैंने उसी टाइम पर करा तो ट्रैफिक मुझे मिल ही रहा है कोई बात नहीं हमेशा खाली रूट पे निकल कर ट्रैफिक वाले पर चलाना ठीक है बहुत मतलब बढ़िया बढ़िया भाई और घर जाऊँगा सीधा मैं ऑफिस का तो टाइम हो चुका होगा खत्म हो चुकी ऑफिस के लोग बच्चे बच्चे ऑफिस स्टाफ की छुट्टी हो चुकी होगी मैं यहाँ से सीधा घर ही जाऊँगा घर जाकर थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे रेस्ट करके चाय वगैरह पी ली है और तो खाने के क्या क्या शेड्यूल बनता है और रेट आने वाले निकाल तो भाई निकल आया बोल तो मत निकल करना निकल गया डेटा का डिफर हो गया ना वाला जो क्या मना रहा है
कहीं भी गुजार देते हैं। बाइक इतनी स्पीड पे थी, ऑटो वाले ने पटरी पे ही कुदाना चालू कर दिया, मोड़ दिया। इससे पापा लाते हैं, और अगर वो ना रोकता आया तो आगे सबसे क्या होता था। बहुत पागल लोग आते हैं। तो भाई वहाँ से आने के बाद रेस्ट वगैरह किया और ब्लॉग को एडिट करूँगा। अब चाय वगैरह पी, थोड़ा सा आराम कर लिया, थक गया था, बहुत ज़्यादा आउटिंग हो गई थी। तो अब करूँगा रेस्ट और ब्लॉग को करूँगा एडिट। तो करते हैं इस ब्लॉग को एंड, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं, बाय बाय।